पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान 16 अगस्त से आगंतुकों के लिए खुलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलिन को बड़ी राहत, कोर्ट से अनुमति के बिना विदेश जा सकेंगी। मणिपुर में 23 साल बाद दिखाई गई हिंदी फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी मूवी उरी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांपी धरती, 3.4 थी भूकंप की तीव्रता। मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कोच सस्पेंड। राजधानी दिल्ली में फिर उफान पर यमुना, सुबह 5 बजे 205.43 मीटर पर पहुंचा जलस्तर। निषाद पार्टी का आज स्थापना दिवस, गोरखपुर स्थित मुख्यालय में होगा शक्ति प्रदर्शन। जॉर्जिया 2020 चुनाव जांच में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठहराए गए दोषी। ताजिकिस्तान में लगे भूकंप के जोरदार झटके, 4.2 मापी गई तीव्रता।